पीर मेरा ओ दमड़ी वाला पीरा शाह कलंदर हर मुश्किल विच मदद करदा दुआ जहाना अंदर हमदो सना तो बाद ताजदारे अरबौजम फखरे बनी आदम मौलाए कुल खत्मुर रसूल अहमद मुज्तबा हजरत सरवरे मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी बारगाह अकदस दे अंदर हदीया दुरूद व सलाम आजजाना गरीबाना मिसकीनाना पेश करन तो बाद मेरे दोस्तों मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज जुमातुल मुबारक दा इज़्ज़त व शरफ वाला दिन है। अल्लाह ताला दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह ताला इस मुबारक दिन दा सदका मेरे ते तुहाडे हालां दे हालां ते रहम फरमाए। अल्लाह ताला कुल आलम इस्लाम दी खैर फरमाए। हजरत मोहतरम कुरान करीम विचों आयत मुबाहला पढ़न दा शरफ हासिल कीता है। इसका नजूल कुछ इस तरह है कि नजरान दे ईसाइयां दा वफद मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर होया। ईसाइयां दे पादरी ने नबी करीम अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच अर्ज कीती कि तुहाडा ईसा अलैहिस्सलाम दे मुतल्लक की अकीदा है। मेरे नबी ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी हैं। उन्हें अगो आख्या के ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह दे नबी ते है ने लेकिन नाल खुदा दे बेटे भी ने क्योंकि दुनिया दे अंदर कोई ऐसा इंसान नहीं जिदा कोई बाप नहीं ते ईसा अलैहिस्सलाम उन्हां दा बाप ही कोई नहीं ते फिर इस तों मुराद देवे के उन्हां दा बाप खुदा है ते ओह खुदा दे बेटे ने। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुहाडा अकीदा है साडा अकीदा ये नहीं कि आप अल्लाह दे बेटे ने बल्कि आप अल्लाह दे नबी ने तो खुदा दे मुतलक साडा अकीदा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद के अल्लाह वहदहु ला शरीक है ना वो किसे दा बेटा है ते ना कोई ओदा बेटा है। फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम दे मुतलक साडा ओही अकीदा है इन्नमा सला ईसा इंदल्लाह कमा सली आदम जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम दी मिसाल है उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम दी मिसाल है। ते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम नु बगैर बाप दे पैदा फरमाया है उसे खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम नु इस तरह पैदा फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम दी मां भी कोई नहीं ते आदम अलैहिस्सलाम दा बाप भी कोई नहीं ते हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा दी भी मां कोई नहीं ते बाप भी कोई नहीं ते क्या मुआज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इस तो मुराद देवे कि उना दी मां भी कोई नहीं ते बाप भी कोई नहीं ते क्या उन्हां दी मां भी खुदा है ते बाप भी खुदा है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ना आदम अलैहिस्सलाम दा उधर घर छोड़ा ना आदम अलैहिस्सलाम दा कोई बाप ते ना उन्हां दी कोई मां है। अल्लाह ने बगैर मां बाप दे पैदा फरमाया ते इसे तरह ईसा अलैहिस्सलाम दा बाप कोई नहीं जिहड़ा खुदा आदम अलैहिस्सलाम नूं बगैर मां बाप दे पैदा फरमा सकदा है वो ईसा अलैहिस्सलाम नूं भी बगैर बाप दे पैदा फरमा सकदा है। हजरात ईसाइयां दा पादरी अपनी गल दे उत्ते वज़ीद दे अल्लाह ने फरमाया कमरी वालिया इन्ना इस तरह नहीं मनना इन्ना मुनाजरे नाल नहीं मनना इन्ना ने मुबाहले दे नाल मनणगे इन्ना नु मुबाहले दा चैलेंज फरमा दे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम
हजूर ने फरमाया जाओ फिर तुसी भी जाओ तुसी अपने बेटे ले आओ मैं अपने बेटे ले आना तुसी अपनी औरतां ले आओ मैं अपनी औरतां ले आना तुसी अपनी जाना ले आओ मैं अपनी जाना ले आना एक मैदान के अंदर जमा हो जावांगे अल्लाह की बारगाह विच हाथ उठावांगे या अल्लाह जिहड़ा सच्चा है जिहड़ा तेरा है उन्हों रख लै जिहड़ा झूठा है या अल्लाह ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਅਲਲ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋ ਜਾਏ ਹਜ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤਵੱਜੋ ਜਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹਸਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁਸੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਇਆ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ अली दे पुत्र ने मेरे नबी फरमाया ए मेरी बेटी ज़हरा ए होई ते दुनिया नो दसना है जेड़ी अली दी औलाद है ओ होई मुहम्मद दी आले अदरा अदरा फरमाया ए होई ते दसना है जेड़ी अली दी औलाद है ओ होई मुहम्मद दी मेरे नबी करीम अलैहि सलातु वस्सलाम ने जदों अनिसा अनिसा की वारी आई अपनी बेटी ज़हरा नूं बुलाया ते जदों अगली वारी आई ना मेरे नबी ने फरमाया वा वा खुसा खुसा वा अन खुसा कुम मैं अपनी जान ले ओना है तू अपनी जान ले गया मुसलमान पुत्र दी वारी आई हसन हुसैन बुलाया अज जो यो दी वारी आई है मुसलमान अपनी बेटी ज़हरा नु बुला लिया अज जो जाना दी वारी आई है मेरे नबी करीम ने फरमाया या अली है तुसी आ जाओ है मेरे नबी का रात नो दसना चाहते ने ओए लोगो अली जेड़ा है मोहम्मद दी जान है मेरे नबी दसना चाहते ने अली मोहम्मद दी जान हजरत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने चादर ओढ़ी फरमाया अल्लाह ऐ मेरी अहले बैत ने मैं इन्हां दे नाल मोहब्बत करना तू ही इन्हां दे नाल मोहब्बत फरमा ते जेड़ा जेड़ा इन्हां दे नाल मोहब्बत करदा है ओदे नाल भी मोहब्बत फरमा हजरत हुण चादर दे थल्ले पंज तन ते पंजे ही पाक ते हो गए पंज तन कल उठ के कोई इंसान कोई फरिश्ता भी ना आके मुहम्मद दी बेटी दे कदमां दा निशान ते नबी पाक ने हजरत इमाम हुसैन नूं गोद विच उठाया ते हजरत इमाम हसन नूं उंगली लाया एक मैदान विच पहुंच गए उधर साईं भी आ गए ते साईयां दे पादरी ने जदों वेख्या ना उन्हें आख्या नफूसे कुदसिया कौन ने ते ईसाईयां ने आख्या ए ओही ने जिन्हां दे नाल तेरा मुबाह लाए मुसलमानों जरा तवज्जो चाना उन्हें वेख्या उन्हें आख्या ओए ससा दस जा ऐसा तो निकल जाओ इन्हों के मुकाबले में चहर करना जाया जे आंदे वो जड़ा सामने नबी खलोता है अगर उन्हें हाथी उठा के बद्दुआ कर दी जिन्हों नाल लेके आया है
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਛੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ मोहब्बत वाला शायर बोलिया बड़े कमाल दी अकासी कर के आंदा बेदम यही तो पाच है मकसूद कायनात बेदम यही तो पाच है मकसूद कायनात खैरुन्निसा हुसैन हसन और मुस्तफा अली खैरुन्निसा हुसैन हसन और हूं मैं तुहानू इन्हां पंजां दी एक एक गल सुना देना जिन्हें जिन्हें सुननी है आखे जरा सुभान अल्लाह जिहड़ा मुहब्बत दे नाल आया है जरा सज्जा हत्थ चुक के आखे सुभान अल्लाह हजरत मोहतरम नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम दी जाते पाक आका अलैहि सलातु वसलाम ना एक मर्तबा एक होज दे उत्ते वुजू पे करदे ने ते उधरों अबू जहल दा पुत्र इकरमा चलदा चलदा आया ते आके ना ते मेरे नबी करीम अलैहि सलातु वसलाम दी बारगाह चर्ज करदा मोहम्मद तुसी नबी हो फरमाया हां आंदा जे नबी हो ते फिर कोई मौजजा भी विखाओ जे नबी हो तो कोई मौजज़ा विखाओ हजूर ने फरमाया मैं केड़ा पांच सात मौजज़े लेके आया कि तेनू मौजज़ा विखा दें मैं ते खुद सरापे मौजज़ा बन के आया मेरे नबी ने फरमाया तू दस ते सही जो कहेगा तेनू ओही मौजज़ा विखा दें जरा दोवे हाथ चुक के मुहब्बत दे नाल आखो जरा सुभान अल्लाह सरकार ने फरमाया जो आखेगा तेनू ओही मौजज़ा विखा देने हुण मेरे नबी वुज़ू पे कर देने ते उस होज दे उस पासे ना पत्थरां दा ढेर लगा होया ते उन्हां पत्थरां वाल इशारा करके आंदा मुहम्मद ओ जिहड़ा पत्थर पिया ना अगर ओ खुद चल के पानी दे उत्ते तरदा तरदा इत्थे साडे कोल आवे आके तेरा कलमा पढ़े तेरी नबूवत दी गवाही दवे ते मैं मन जाऊंगा तू वाकई अल्लाह दा सच्चा नबी बन के आया ते मेरे नबी करीम वाले ही सलातो व सलाम ने जिदू सुनिया ना हम मुसलमानों मेरे नबी ने फरमाया ओए ओ जड़ा पत्थर अर्ज कर दे हाँ कमली वाले आयो जड़ा पत्थर हजरात मेरे नबी ने आवाज मारी कोई नहीं है मेरे नबी ने पत्थर नो बुलाया कोई नहीं है मेरे नबी ने उस पत्थर नो इशारा कीता कोई नहीं सिर्फ मेरे नबी ने उंगली उठाई है इधर मेरे नबी दी उंगली उठी है उधर पत्थरां विचों पत्थर ने पानी ते दौड़ ला दिती है नाले पानी ते दौड़ी जांदे है नाले मेरे नबी दा कलमा पढ़ी जांदे है नाले पुकार के आंदे सोनिया मैं आया जे पुकार के आंदे सोनिया मैं आया जे सरकार दे कोल आके ते कलमा पढ़न लग पिया ए मेरे नबी करीम दी शान है हजूर दा इशारा भी नहीं हुंदा ते पत्थर कलमा पढ़न लग पैंदे ने ते फिर असी क्यों ना आखिए ओ पत्थरा नो कलमे पढ़ा जान दाए ओ पत्थरा नो कलमे पढ़ा जान दाए ओ गुंगया नो गल्ला करा जान दाए मोहब्बत नाल मेरे नाल पढ़ो मिल गए जरा अपनी अपनी हाजरी का सबूत दियो सज्जा हाथ बुलंद करके सज्जा हाथ बुलंद करके मोहब्बत नाल आखो पत्थरानो कल में पड़ा जान दाए ओ पत्थरानो कल
मुगल में पड़ा जान दाए ओ गुंगेयान गल्ला करा जान दाए ओ सुकिया खजूरा उगा जान दाए ओ अनबोलियानो बुला जान दाए। जरा जरा थक गया हो तो ना बोले, जरा नहीं थकिया उची आखे जरा सुभान अल्लाह। मैं दुआ करना जरा उची आखे अल्लाह करे इसे साल मदीने जाए दोवे हाथ चौके आखो जरा सुभान अल्लाह। खुदा की कसम सरकार की मोहब्बत विच बोलिए ना असी सरकार ना मोहब्बत करने ते मुस्तफा साडे नाल बड़ी मोहब्बत कर दे। मेरे नबी करीम अलैहि सलातु व सलाम दा एक गुलाम एक पेंडू एक इराबी काबे दा तवाफ पिया करे ते पिछे पिछे ना सरकार भी तवाफ पे कर देन नाल सहाबा भी तवाफ पे कर देन। तवज्जो नाल समात फरमाया जे हुण ओ पेंडू तवाफ करी जांदा ते नाल पड़ी जांदा या करीमू या करीमू या करीमू ते सरकार पिछे पिछे टुरी जांदे ने ते पड़ी जांदे ने या करीमू या करीमू या करीमू। वो चलता चलता हजरे अस्वद दा बोसा लैंदा ते पढ़दा या करीमू। हजूर भी हजरे अस्वद दा बोसा लैंदे ने ते पढ़दे ने या करीमू। आबे जमजम पींदा ते इहो ही पढ़दा नाल सरकार भी उत्थे टुरी जांदे ने ते पढ़ी जांदे ने। उन्हें अपना तवाफ मुकम्मल कीता काबे दी दीवार कोल खड़ा होके ना ते उन्हें नहीं पता ये कमली वाले ने काबे दी दीवार कोल खड़ा होके तो बड़े गुस्से नाल मेरे नबी पाक वाल वेखी जांदा वेखी जांदा। हजूर फरमांदे ने मेरे वाल इंज क्यों पिया वेना है अंदर तुसी मैनू पेंडू समझ के कर दियो मजाक। हजूर ने फरमाया मैं कदे मजाक नहीं किया। मेरे आका करीम अलैहि सलातु व सलाम अपने गुलामों नाल खुश तबी करते सन लेकिन ओदे अंदर भी कदे झूठ नहीं सी होया। ते हजूर फरमाया मैं तो कभी मजाक किया ही नहीं। अंदर अजीब गल कर दियो जो मैं पढ़ना ओही पढ़ी जांदे हो ते आंदे हो मैं मजाक किया ही नहीं। ते आंदा तुसी मैनू पे कर दियो तंग ते मैनू पेंडू समझ के तंग ना करो। मैं है ते पेंडू हाँ पर मेरी नबियां दे सुल्तान नाल यारी है। ते हजूर ने फरमाया मैं की करा तेरी यारी है। सरकार अपने गुलाम नाल प्यार पे कर देने इत्थे जेड़े जेड़े मोहब्बत वाले बेटे ने जरा उच्ची आखो सुभान अल्लाह। हजूर ने फरमाया मैं की करा तेरी यारी है। आंदा तुसी मैनू तंग पे कर दियो ते मैं अपने यार को जाना है ते मैं लानी उन्होंने तुहाड़ी शिकायत दिल ते मेरा यही करदा है तुहाड़ी शिकायत लावां ते मैं उन्होंने आखा ये बंदा मैनू बड़ा तंग करदा है ते मेरा मजाक उड़ांदा है ते इन्हू पुछो। ते सरकार फरमाया जा जिन्हू दसना ही दस जा के। फरमाया जा जिन्हू दसना ही दस जा के। आंदा दिल ते मेरा करदा है जाके दसा ते तुहाड़ी लावां शिकायत लेकिन मैं जानदा नहीं पिया। हजूर फरमाया क्यों नहीं जानदा। आंदा की दसा कदे तू एडा सोहना ना ना हुंदा जिन्हू जिन्हू समझ आई आख जरा सुभान अल्लाह। आंदा कदे तुसी एडे सोहने ना ना हुंदे ते मेरा दिल नहीं पिया करदा कि तुसी एडे सोहने हो ते जाके मैं अपने यार नूं तुहाडी शिकायत लावां ते जे एडे सोहने ना ना हुंदे ते फिर शिकायत लग जानी सी ते मैं अपने यार नूं दस देना सी। ते सरकार ने सुनिया ना ते मेरे नबी पाक मुस्कुरा पे मेरे आका मुस्कुरा पे। हजरात तवज्जो चाना मेरे नबी ने उस गुलाम नो फड़िया मेरे नबी ने अपने सीने लाया मेरे नबी ने फरमाया ओए राबिया जिस मोहम्मद दा कलमा पढ़िया मैं ओही अल्लाह दा आखरी नबी हां। मुसलमानों ने मुस्तफा दे चेहरे दी दीद की दी सीने नालो सीना हटाया कदमा च आया हाथ बन के अर्ज कर दे कमली वाले आ अल्लाह को दुआवा कर दे रहा अल्लाह जी दा कलमा पढ़े ओ दी दीद करा दे अज तेरा दीदार होया वेंदिया ही बेअदबी कर बैठा अर्ज कर दे सोने माफी दे दे है मुसलमानों मेरे नबी ने कदमा तू ही उठाया है मेरे नबी ने सीने लाया है सीने ला के मेरे नबी ने फरमाया ओए मेरे गुलाम मैं ते रहमतुल लिल आलमीन बन के आया ओए मेरे गुलाम मैं कदमा च झुकान नहीं आया है मैं ते झुकिया होया नु उठा के है सीने ला ना आया वा। फरमाया मेरे गुलामा मैं झुकिया होया नु उठा के अपने सीने लान आया वा। मेरे नबी करीम दी मोहब्बत वेखो हजूर ने अपने गुलामा नाल इहो जी मोहब्बत फरमाई जिदी मिसाल ही कोई नहीं मिली।
ते मुसलमानों खड़ी दा ताजदार बोलिया मियां साहब सरकार मेरे पीरो मुर्शिद फरमांदे ने ए वा करीम उम्मते दा वाली ए मेर शिफायत करे दा जिब्राइल जे जिस चा करे नबियां दा सरे करे दा जिन्ना दो भी हाथ चौक के आख्या सुभान अल्लाह मैं दुआ करना इसे साल तुसी मदीने जाओ ते जड़े पे हाथ नहीं चुकते मैं दुआ करना अल्लाह उन्होंने भी तौफीक दवे ते वो भी जरा बुलंद हाथ दोवे करके आखन सुभान अल्लाह ते नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम दी गल ते मैं तुहानू सुना दित्ती है ते हुण मैं तुहानू सय्यदा ज़हरा पाक दी गल ना सुना दें अगे अगे मेरे नबी ते पिछे सय्यदा ज़हरा पाक ते उस तो पिछे हजरत अली उल मुर्तजा जदों मुबाहले वास्ते गए ने ना ते ये तरतीब सी ते सय्यदा ज़हरा पाक दी गल मैं तुहानू सुनावां जरा मुहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह हजरते मोहतरम मेरे नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम दे सहाबा जदों सरकार दी बारगाह चाहुंदे ने ना ते सहाबा दी रूटीन की है पहला आके सलाम करके अर्ज करनी फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह इहदा तर्जमा है सोणिया तुहाडे तों साडी मां भी कुर्बान साडा बाप भी कुर्बान ते जे सहाबी ने नबी दी बारगाह चाहुणा ते इहो आखना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मेरे नबी दी बारगाह च आना ते यही आखना फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह हजरत उमर पाक ने मेरे नबी दी बारगाह च आना ते उन्हें भी यही आखना फिदा का अबी व उम्मी उची आखो हजरत उस्माने गनी ने आना ते यही आखना फिदा का अबी व उम्मी मुसलमानों जरा तवज्जो चाना शेरे खुदा मेरे नबी दा वीर आंदे आगे होई आंदे ने फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह कुल सहाबाए होई आंदे ने लजपाला तेरे तो साडी मां भी कुर्बान है तेरे तो साडा बाबा भी कुर्बान है हजरत उमर फरूक फरमांदे ने एक दिन मैं नबियां दे सुल्तान कोल बैठा होया आप फरमांदे ने अचानक नबी दी बेटी फातिमा आ गई फरमांदे ने जदों नबी दी बेटी आई है मुसलमानों नबियां दा इमाम उठ के खड़ा हो गया उस ज़हरा दी की शान दसा जड़ी ज़हरा आउंदी है नबियां दा इमाम उठ के खलो जांदा है ओ जड़ा आवे ते सारे नबी उठ के खलो जाण ओए उस हस्ती का की मुकाम होना है जिहड़ी नबी दी बारगाह विच आउंदी है ते मेरा नबी उठ के खड़ा हो जांदा है हजरत उमर पाक फरमांदे ने मैं प्या वेना मैं वेना ते सरकार ने किस तरह प्यार फरमाया हजरत मेरे नबी करीम ने अपनी बेटी का मत्था चूमिया मेरे नबी ने बेटी नु सीने लाया मेरे नबी नु अपनी बेटी दे ना प्यार आया अल्लाह अकबर मेरे नबी ने फरमाया फिदा की अबी व उम्मी या फातिमा ए मेरी बेटी फातिमा तेरे तो मोहम्मद दी मां भी कुर्बान है तेरे तो मोहम्मद दा बाबा भी कुर्बान है मुसलमानों जरा तवज्जो दे आ जाए उस सय्यदा ज़हरा दी किन्नी को शान है जिदे बेटे जनती मर्दा दे सरदार ने सदके जावा जिदा शोहर जनती वलियां दा सरदार है जिदा बाबा कुल कायनात दा सरदार है ओ आप ज़हरा है जनती औरतां दी सरदार है जरा मोहब्बत नाल आख सुभान अल्लाह उस ज़हरा दी किन्नी को शान है जड़ी आप जनती औरतां दी सरदार है सरदारी है ही उस घराने दी है सरदारी है ही उस घराने दी है ते फिर मोहब्बत वाले शायर दी गल सुना दें नहीं जिन्हें सुननी है जरा हाथ चौक के आके सुभान अल्लाह
ਤੇ ਨਿਹੜੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਘਰਾਨੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ ਕਰਾਰ ਫਾਤਿਮਾ ਦਿਲ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਚੈਨ ਤੇ जरा हाथ हवा विच बुलंद करके आखो दिले मुस्तफा दा चैन ते करार फातिमा मौला अली दे घर दा सिंगार सारे ढिल ला के नाल वो मौला अली दे घर दा सिंगार और बेटे शहीद बाप नबी फिर आप सैयदा जन्नत दी हुकमरान ते मुख्तार है जन्नत दी हुकमरान ते मुख्तार फातिमा जन्नत दी हुकमरान ते मुख्तार ये पता कौन जाहरा है सैयद बैठे ने इन्हां दी मौजूदगी दे अंदर गल करांगा नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम ना एक दफा रमजान दा महीना है ते सरकार ले सलातो वसलाम ने हजरत उम्मे अमन ने फरमाया उम्मे अमन जाओ जरा मेरी बेटी के घर में जाओ अगर कोई काम काज होया ना तो मेरी बेटी का हाथ बटाया जाए मेरी बेटी का हाथ बटाया जाए उम्मे अमन चल के गई तो जाके दरवाजा खड़काया दरवाजा बंद दरवाजे के सुराख विचों वेखिया तो की नजर आया चक्की पे चलती है चलान वाला नजर नहीं आता एडा ढिला जे बोले हो सुनी बैठे हो मोहब्बत नाल आखो जरा उम्मे अमन वेंदियां ने हसनैने करीमैन दा झूला पिया झुलदा है जलान वाला नजर नहीं आउंदा घर दे काम काज पे हुंदे ने करन वाला नजर उम्मे अमन बड़ियां हैरान वापस टुड़ियां टुड़ियां नबी पाक दी बारगाह विच आईयां ते जदों पहुंचियां ते मेरे नबी अल्लाह ने गैब दियां खबरां दे के भेजिया हुजूर वेख के ते मुस्कुरांदे ने ते फरमाया उम्मे अमन की गल परेशान क्यों है अगू उम्मे अमन ने की आखिया जिन्हें सुनया आख जरा सुभान अल्लाह हम मुसलमानों हाथ जोड़ के अर्ज कर दिए कमली वाले सोने मैं वेख के आईया जहरा दे घर विच चक्की पे चलदी है जलान वाला नजर नहीं आता हसनैन दा झूला पिया झुलदा है झुलान वाला नजर नहीं आता घर दे कम काज पे आते ने करन वाला नजर नहीं आता मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया यो मैं अमन सुन ले मेरी बेटी ने अज रोजा रखे है कम काज करके मेरी बेटी थक गई है अल्लाह ने मेरी बेटी ते नींद नो तारी फरमा छड़िया उधर मेरे खुदा ने फरिश्तिया नो हुक्म दिता ओए फरिश्तियो जारा दे घर जाके नबी दी बेटी दे नौकर बन जाओ मुसलमानों जरा तवज्जो दे आ जाए जहरा दी किन्नी को शान जिदे घर दी नौकरी अल्लाह दे नूरी फरिश्ते कर दे ते फिर क्यों ना या किए जन्नत दी हुकमरान ते मुख्तार फातिमा है जन्नत दी हुकमरान ते मुख्तार तो जो है वे आखो जरा सुभान अल्लाह हजरात हुण तुहानूं गल सुणाना मौला अली शेर खुदा दा जिहड़ा जिहड़ा अली वाला बैठा तेरा मुहब्बत नाल आखे सुभान अल्लाह एक दफा ना हजरत मौला अली उल मुर्तजा कूफे दी जामिया मस्जिद दे अंदर तशरीफ फरमा ने
मौला अली कूफे दी जामिया मस्जिद विच तशरीफ फरमान ते एक गुलाम दौड़दा दौड़दा आया ते अर्ज कीती या अली अबार यहूदी इकट्ठे होके ना ते सरकार दे इलम ते तान पे कर दे ते पता चलिया नबी पाक दे इलम उत्ते जिहड़ा इतराज करदा तान करदा एक काम मुसलमाना दा नहीं हुंदा यहूदियां दा हुंदा मौला अली नूं बड़ा गुस्सा आया बाहर आए फरमाया ओए मेरे नबी दे इलम ते गल्लां करन वालेओ मेरा नबी ते इलम दा शहर है मैं इलम दा दरवाजा पुछो किने की पुछना है एक बंदा उठा उन्हें आख्या या अली दसो मेरा बाप कौन है आपने फरमाया फलां बिन फलां लोगों ने सवाल जवाब करना शुरू कर दिते हजरत अली ने ना कदे सोच के जवाब नहीं सी दिता किसी बंदे ने पूछा या अली कदे सोच के जवाब नहीं दिता आपने फरमाया तू मैनू एक जवाब दे तेरे हाथ दी किनिया उंगलां ने आंदा पांच फरमाया सोचिया नहीं तुहानू समझ नहीं आई जिन्हों आई हो तो बोले ना फरमाया सोचिया नहीं हूं आंदा ये कि सोचने वाली गल है हर वक्त हाथ सामने रहा है फरमाया जिंज तेरे सामने हर वक्त हाथ रहा है सारी कायनात इंजी अली दे सामने रही और लोग सवाल जवाब करते हैं सिदरा दे उत्ते जबरील पिया वेंदा अल्लाह की बारगाह चर्च की मौला जे इजाजत दवे तो मैं भी अली को जाके कुछ पूछ लव अल्लाह फरमाया जा जबरील सलाम इंसानी बशरीयत दा लबादा उड़ के ते आए ते हाथ उठा के आंदे ने या अली मैं भी कुछ पूछ लव फरमाया पूछ आंदा चलो फिर दसो जबरील किथे दसो फिर जबरील जबरील किथे वे ते मौला अली पाक ने अगू की फरमाया आख जरा सुभान अल्लाह हम मुसलमान अली पाक ने फरमाया इत्थे खड़ा हो जा मुसलमानो मौला अली ने फरमाया सवाल करन वाले मैं सिदरा तक वेखे जबरील नजर नहीं आया है मैं जमीन दियां तैवां च वेखे मैनू जबरील नजर नहीं आया फरमाया मैं मशरक वेखिया मगरब वेखिया मैं शमाल ते जनूब वेखिया मैनो किधरे भी जबरील नजर नहीं आया फरमाया ओए सवालिया हुण अली दा इलम पियाए होया दे या मैं जबरीला या तो जबरील है मुसलमानो मौला अली पाक ने फरमाया ओए सवाल करन वालिया मैं ते मुहम्मद दा वीर अलिया है जबरील तो है फरमाया मैं ते अलिया ते जबरील फिर तू ही है आप ही अपने मुतलक सवाल पे आप पूछी जांदा है जो हजरत अली मन वाले उखिया तो उन्हें फिर की आख्या वो आंदे ने असा हर दम कहना अली 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 असा हर दम कहना अली 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 असा हर दम कहना अली वाला दो भई हाथ चुक के मोहब्बत नाल मेरे नाल आखे गाय सहार दम कहना अली 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 सहार दम कहना अली 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 सहार दम कहना अली 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 पावे रोके सारा जग सानो पावे रोके सारा जग सानो असा नारा लाना अली 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 असा नारा लाना अली 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 असा नारा लाना असा नारा लाना तो जो है वे मोहब्बत नाल आखो जरा सुभान अल्लाह हजरत मौला अली मुर्तजा की बहादरी की एक गल सुन लवो फिर हसनैन करीमैन की गल मैं सुनाना वा मौला अली पाक ना जदों जंगे खंदक हुई ना तो मुसलमान खंदक खोद ली ते कफार उस पासे ते मुसलमान मदीने विच उस पासे ते हुण किसे कोल खंदक रास नहीं हुंदी एक बड़ा वड्डा पहलवान लैके आए सन अरब दा अमर इबने अब्दे वादू दा नां सी
उन्हें घोड़े की छलांग लगवाई ते खंदक पार करके तो उस पासे आ गया जिधर मुसलमान सन ते आके उन्हें ललकारिया ओ है कोई मेरे मुकाबले विच लड़न वाला उठिया मेरे नबी दा वीर अली मुहब्बत नाल आखो जरा उठ के आख्या सोने इजाजत दवो हजूर फरमाया अली बैठ जा उन्हें दूसरी मरतबा फिर ललकारिया शाह जी आंदा है कोई मेरे मुकाबले विच लड़न वाला फिर उठिया मेरे नबी दा वीर अली हजूर इजाजत दे जनाब नबी पाक ने फरमाया बह जा जो तीसरी बारी उन्हें आख्या ना है कोई मेरे मुकाबले च लड़न वाला है कोई मां का पुत्र जिहड़ा मेरा मुकाबला करे ते मुसलमानों मेरे नबी ने फरमाया ओए मेरा अली आ जा अली कमली वाले दे करीब होया मेरे नबी ने अली दी कमर ते एक चादर बन दीती फिर मेरे नबी ने अपनी दस्तार नु खोलना शुरू कीता हम मुसलमानों ओही दस्तार मेरे नबी हजरत अली दे सर दे उते पहना दीती फरमाया हुण जा अली मोहम्मद तेनू अपनी दस्तार बन के पिया टोर दे और मुसलमानों किड्डा हसीन मंजर आने मेरे नबी दी दस्तार पाके रब दा शेर पिया जांदा है दस्तार मोहम्मद दी ते जान वाला सुनिया दा पीर अली ते रब दा शेर अली हजरत अली पाक पहुंचे ओ पहलवान सी ना जड़ा अमर इब्न अब्देवाद उन्हें वेखिया हजरत अली पाक दा कद नॉर्मल ही सी जवानी सी आंदा बच्चिया तेरा नाम की है आपने फरमाया अली बिन अबी तालिब आंदा तेरा बाप ते मेरा बड़ा दोस्त सी ते तू ते मेरा भतीजा लगना ते जा मैं नहीं तेरे नाल लड़ना आपने फरमाया तू लड़ना है कि नहीं ये मैनू नहीं पता मैं तेरे नाल जरूर लड़ना है आंदा जा टुर जा तेनू पता है मैं कौन हां आपने फरमाया तेनू पता है मैं कौन हां आंदा जा चला जा तेनू मेरी ताकत दा अंदाजा नहीं तेनू नहीं पता मेरे अंदर कितनी ताकत है मैनू अरब दा कोई पहलवान हरा नहीं सकदा मैं ते खंदक पार कर ली ते आपने फरमाया तेनू नहीं पता मुहम्मद दे शेरां विच ताकत कितनी है फरमाया अज तेनू पता लगेगा तेरा मुकाबला किदे नाल होया है ते तेरे नाल जंग भी जरूर करनी है उन्हें जो गल्लां सुनियां उन्हें बड़ा गुस्सा आया ते मुसलमानों गुस्से दे आलम विच तलवार दा वार कीता मौला अली ने अगे डाल कीती हुण तलवार दा वार करी जांदे करी जांदे ऐ मुसलमानों मुकाबला शुरू हो गया जंग शुरू हो गई अल्लाहु अकबर लड़दियां लड़दियां जमीन तो खाक उठी है कुछ भी नजर नहीं आंदा अचानक एक ललकार दी आवाज आई हुण मुसलमान आंदे ने अमर इब्ने वद गया इधर पे काफर आंदे ने अली गया थोड़ी देर तो बाद जो खाक साफ हो गई ए मुसलमानों सामने नजर आया है कुफर दा पहलवान कतल होके जमीन ते टिका होया है मुसलमानों दा पहलवान अली है मुस्तफा दे सीने नाल लगा होया है वेख्या वो जड़ा बड़ा वड्डा पहलवान सी ओदी लाश जमीन ते तरफ दिए पई ते मौला अली ते जाके मुस्तफा दे सीने दे नाल लग पे ते फिर वो जड़े उथे मुसलमान सन सियाबा सन मुहब्बत दे नाल ओना भी ते आख्या होना है ना असहर दम कहना अली 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 असहर दम कहना अली 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 असहर दम कहना असहर दम कहना अली 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 असहर दम कहना हुण मैं तुहानू मौला अली दे बच्चियां दी गल सुना देवां हजरत इमामे हसन ते हजरत इमामे हुसैन दी ते जिन्ने जिन्ने मुहब्बत नाल सुननी है जरा दोवे हाथ चुक के आखे सुभान अल्लाह हजरात तवज्जो चाहना हजरात हसनैने करीमैन दोवे वीर मिल के ना ते मदीना मुनवरा तो मक्का मुकरमा हज वास्ते जा रहे हैं ते रस्ते दे अंदर लगी प्यास ते पानी गया मुक
हजरत इमामे हसन आते हैं यार हुसैन प्यास लग गई है। हजरत इमामे हुसैन फरमाते हैं सामने एक झोंपड़ा पिया नजर आता है उत्थे जाने जाके बहने अगर कोई खाना खिलांदा है तो खाने जाके दरवाजा खड़काया अंदरों एक बुढ़िया औरत निकली ते हजरत इमामे हसन ने फरमाया खाने वास्ते कुछ है वे असीं मुसाफर हाँ मदीना पाक तो मक्का पाक जा रहे हैं हज वास्ते ते हुण उहदे घर विच कुछ भी नहीं गरीब औरत है ते अल्लाह दी बारगाह चर्ज करदी मौला कदे एड्डी गरीब ना ना हुंदी ते जिड्डे हुस्नो जमाल वाले अज आए ने इन्हां नूं जरूर खा के टोल दो इन्हां नूं खाना जरूर खिलांदी। हजरत इमामे हसन ने फरमाया चलो खाना नहीं है पानी दे दो तो उस औरत ने आख्या फिर बचियो थोड़ी देर ठहर जाओ पानी नहीं मैं बकरी का दूध लैके आनी फटाफट गई जाके ना एक प्याला बकरी का दूध लैके आई ते आके ते पेश कीता दोवां शहजादियां नूं ते ए वेख बड़ी मुहब्बत वाला वाकया है ते जदों पेश कीता ना ते मुसलमानों अद्धा प्याला हजरत इमामे हसन ने पीता अद्धा प्याला हजरत इमामे हुसैन ने पीता है पी के वापस मुड़े माई आंदी है वे शहजादे ओ किड्डी सोहनी सूरत वाले ओ है किदी हसीन पुत्रो जांदियां अपना पता दस जाओ तुहानू मिलना होवे किथे आउणा है मुसलमान हजरत इमामे हसन फरमांदे ने अम्मा अगर साडे नाल मिलने है सोने दे मदीने आ जाई इधर उधर जाण दी लोड़ कोई नहीं है नबी दे रोजे ते आ जाई असी मुहम्मद दे नवासे आ मेरा नाम हसन दा नाम हुसैन अपना पता दसिया चले गए कुछ वक्त गुजरिया वो माई मदीने दी गलियां विच भी फिरदी है ते हजरत इमामे हसन ने वेख्या ते पहचान लिया पहचानिया ते माई नूं फड़िया ते घर लै गए ते को रखिया किन्ने दिन मेहमान नवाजी की थी ते माई कहंदी है बच्चिया हुण इजाजत दे मैं जावां ते जान लग्या ना हजरत इमामे हसन ने 1000 बकरी तोहफे विच दित्ती ते 3000 दिरहम अता फरमा छड्डे ते माई बड़ी खुश ते लै के चली ते हजरत इमामे हसन फरमांदे ने अम्मा जी किथे चले हो अद्धा प्याला ते हुसैन भी पी के आया जी उधर भी जाओ ते माई उत्थे भी गई हजरत इमामे हुसैन ने पहचानिया खिदमत कीती ते जान लगिया आपने भी 1000 बकरी ते 3000 दिरहम दिते ते जदों माई ने ये सारा समान लिया ना 2000 बकरियां ते 6000 दिरहम लैके मदीने दी गली विच जा रही है हजरत इमामे हसन नाल नाल पे जांदे ने अगे छड्डन वास्ते ते माई पता की आंदी है हजरत इमामे हसन मुहब्बत वाली गल है जुमला जाया ना करे जे ते जे समझ आए ते फिर पता लगना चाहिए उन्हां दे नाल मुहब्बत करन वाले बैठे हो मुसलमानो माई आंदी है बच्चिया मैं ते पहचानिया कोई नहीं खिदमत भी की जे अता भी कीता जे दसो तुसी है कौन मुसलमानो हजरत इमामे हसन ने फरमाया अम्मा दुध दा प्याला पला के भुल गई है असी पी के भुले कोई नहीं ए ते दुनिया असी इत्थे बकरियां दे मालक हां ओ भी दे छड़ियां ने असी दिरहमा दे मालका असा दिरहम भी दे छड़े ने मुसलमान हजरत इमामे हसन ने फरमाया अम्मा जरा कयामत दा वेला या लैण दे ओसी ओथे असी जन्नता दे मालका असा जन्नत भी दे छड़नी है एक प्याला पलाया एक प्याला पलाया ते फरमाया तुसी दे इत्थे ही भुल गए हो असां ते उत्थे भी नहीं भुलना पता चलिया जिहड़ा उहनां दे नाल मुहब्बत करदा है ना ते उहनां शहजादियां नूं दुनिया विच भी याद रखना ते जदों मर जाणा है कियामत दा वेला आउणा है उत्थे भी उहनां शहजादियां भुलना उहनां शहजादियां भुलना तवज्जो चाहना आखिरी गल सुणो उस तों बाद तकरीर खत्म नवासे रसूल इहनां दे नाल मुहब्बत किन्नी है एक दफा हजरत इमामे हसन ते हजरत इमामे हुसैन ने तख्तियां लिखियां ते तख्तियां लिख के ना खत लिखिया जिस तरह बच्चे तख्तियां लिखते ने ते अपनी वालदा माजदा दी बारगाह चाहे
سیدہ خدون جنت سیدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ حادی تے فرمایا اممہ جی تختیاں ویکھو فرمایا پتر بہت خوبصورت نے فرمایا اینج تے نہیں نا دسو بہتی سونی کی دی ہے جنہوں جنہوں سمجھ آئے آکھا ذرا سبحان اللہ ہن ماں دے دل وچ خیال آیا ایک نو آکھاں تے دوسرا پریشان دوسرے نو آکھاں تے پہلا پریشان فرمایا مینوں نہیں پتا بہتی سونی کی دی ہے تسی انج کرو اپنے بابے کول جاؤ تے مولا علی کول جا کے فیصلے کرواؤ مولا علی دی بارگاہ دوڑ دے گے ابا جی تختیاں لکھیاں نے فرمایا بہت اچھیاں نے فرمایا نہیں دسو بہتی اچھی کی دی ہے ہن مولا علی دے دل وچ وی ایہی خیال میں کِنوں آکھاں تے مولا علی نے فرمایا مینوں کچھ نہیں پتا کِدی اچھی ہے تسی اس طرح کرو نا جا کے تے اپنے نانے دی بارگاہ چ پہنچو تے اوتھوں جا کے پوچھ لو کِدی تختی زیادہ خوبصورت ہے ہن دوویں شہزادے اپنی اپنی تختی چکی دی ہے دوڑ لائی دی ہے نبی پاک دی بارگاہ چ نانا جی تختیاں لکھ لیاں نے فرمایا بہت ہی خوبصورت لکھیاں نے فرمایا انج تے نہیں نا دسو زیادہ خوبصورت کِدی ہے تے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دل وچ وی ائی بھائی ہن خوش کِنوں کراں تے ناراض کِنوں کراں تے سرکار نے فرمایا انج کرنے ہیں جبریل ہوندا نا تیرے کول فیصلہ کروا لینا جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے اس گل دے اندر نظر ہوندا ہے کہ انہاں شہزادیاں دے نال کِنوں کِنی کِنی محبت ہے حضرات جبریل حاضر ہویا نبی پاک نے فرمایا جبریل اے شہزادے تختیاں لے کے آئے نے فیصلہ ہی کر دے تختیاں دا تے جنے اگوں گل سننی آکھے ذرا سبحان اللہ ہم مسلمانوں جبریل نے ہاتھ بنے کملی والے دی بارگاہ چ عرض کر دیں اے کملی والے میں تے تیرے بوے دا غلام اے کملی والے میں تے تیرے بچیاں دا نوکر اے کدے نوکر نے مالکاں دے فیصلے نہیں کیتے اے میرے نبی نے سنیا میرے نبی نے فرمایا اے فیصلہ پھر میرے خدا نے کرنا اے مسلمانو اللہ دا حکم ہویا جبریل واپس جنت وچ آ جا ਇਥੋਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਲੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਬਰੀਲ ਸੇਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣੋਗੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਪੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਆਖਿਓ اللہ فرمایا سیب لے جا تے جا کے سٹ دے تے مسلمانوں جدوں جبریل نے سیب سٹیا اے صدکے جاواں رب دا حکم ہویا اے اس سیب دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک ٹکڑا حسن دی تختی تے آ گیا ہے دوجا ٹکڑا حسین دی تختی تے آ گیا ہم مولا حسن وی راضی ہو گئے حسین وی راضی ہو گئے اللہ نے یہو جہا فیصلہ فرمایا حسن بھی راضی ہو گیا حسین بھی راضی ہو گیا دو بھئی شہزادے راضی ہو گئے تے شہزادے کی راضی ہوئے میرا نبی بھی راضی ہو گیا ہیں میرا نبی بھی راضی ہو گیا انہ دے نال خدا دی قسم ہے محبت کر لو جڑا انہ شہزادیاں دے نال محبت کردا ہے او دی دنیا وی بن گئی ہے او دی آخرت وی بن گئی ہے جنہ انہ دے نال بغض رکھیا او بندہ تباہ و برباد ہوئیے گا جنہ انہ دے نال بغض رکھیا انہیں کملی والے دے نال بغض رکھیا جنہ انہ شہزادیاں دے نال بغض رکھیا انہیں خدا دے نال بغض رکھیا جنہ انہاں نوں راضی کر لیا سمجھو رب بھی راضی ہو گیا او دا پیارا رسول بھی راضی ہو گیا اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علینا